तो यहाँ पे मैं माता रानी को चढ़ाने के लिए साड़ी मंगाई हूँ, खरीदूंगी यहीं से। देखना है जिसमें कितना का है ये? 5। चल गया थे तो ये वाला 370। एक लो देख ले साड़िया बोलू। तो कैसे हैं आप सब? मैं शांति और मैं अरम्या। बोलो कैसे हैं आप लोग? तो आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बोलो और आप लोग का अभिनंदन है, स्वागत है हमारे चैनल में। तो हमारे घर में क्या हो चुका है यहाँ पे बेटा? बर्तन जूठे। ये बर्तन की तो अनोखा स्वागत, कैसा लगा हम सबका बताइएगा। और दशहरा की तैयारी किस किस के यहाँ हो चुकी है? हमारे घर में कोई गुड न्यूज़ होने वाला है, मतलब कि समझ जाइए बहुत बड़ी खुशखबरी। 1 2 3 4 नहीं 8 10 शेयर करने वाले हैं। हिंट मैं दे देती हूँ, कुछ बहुत बड़ा कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, जिसकी तैयारी मैं कल आपको लहंगा वहंगा सब कुछ दिखाने वाली हूँ। तो मिलते हैं आप सबसे बिना वॉइस ओवर की वीडियो के साथ में। आगे एंजॉय करिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि ये सब तो आप लोग करते ही नहीं है। धो के आ गई हूँ और अभी फ्रूट्स मंगाने हैं आज, लेकिन भोग लगाने जा रही थी माता रानी को। तो आज गुड़ और मूंगफली, क्योंकि होता है ना कि अलग अलग तरीके के, मतलब जब भी मैं भोग लगाती हूँ तो जो भी मेरे पास साफ़ सुथरा रहता है वो मैं भोग लगाती हूँ। और ये देखिए ये जो जवे हैं उनके भी दर्शन कर लीजिए आप सब। यहाँ पे मैं करा देती हूँ, यहाँ पे हमारा दीपक जल रहा है। तो मैं पूजा कर लेती हूँ फिर आप सबसे मिलती हूँ। तो हेलो जी, मैं नहा धो के पूजा पाठ करके सब कुछ आ गई हूँ। आज मैंने साड़ी अभी तक क्यों नहीं पहना है, क्योंकि मुझे कुछ काम था, जैसे कि मुझे गरबा नाइट के लिए वीडियो शूट करके देना था। और आपको पता होगा कि अतिथि होटल में 13 अक्टूबर को मैं जा रही हूँ 6:30 बजे से। तो आप लोग भी जो भी गाजीपुर के हैं वहाँ पे आ सकती हैं, बिल्कुल आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं आ गई हूँ किचन में, अंधेरा बहुत ज़्यादा है। उम्मीद करूंगी कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिएगा। तो मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। देखिए आज खाने में क्या मैं बनाती हूँ। मुझे दिख रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है, दिक्कत ये है। तो मैं बना लेती हूँ फटाक से दाल और चावल, क्योंकि आज मैं सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाऊंगी, अचार के साथ में खाएंगे, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है और मैंने अपने वीडियो काम करने के चक्कर में। और ऊपर से मैं सोच रही हूँ मूंगफली वगैरह कुछ भी भून लेती हूँ थोड़ा सा खाने के लिए, क्योंकि आज है सप्तमी और आज मैं बहुत सारी चीज़ें मंगाने वाली हूँ माता रानी के लिए। साड़ी चुंदरी सिंगार का सामान सब कुछ मैं आज के वीडियो में आप सबके साथ में शेयर करूंगी। अभी ये देखिए यहाँ पे साड़ी का ये काम था प्रमोशन का, तो ये वाली साड़ी मैंने मीशो से मंगाई हुई थी। प्रियंका उधर बैठ के फ़ोन चला रही है, गोलू इधर बैठ के ये भी फ़ोन चला रही है, और रम्या को देख लीजिए वो ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई कर रही है, क्योंकि लाइट नहीं है, पंखा नहीं चल रहा, तो ज़मीन पे ना अच्छा फील हो रहा होगा उसको। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए और मिलते हैं आप सबसे किचन में हम लोग। तो यहाँ पे मैं माता रानी को चढ़ाने के लिए साड़ी मंगाई हूँ, खरीदूंगी यहीं से। देखना है कितना का है ये? 5। चल गया थे तो ये वाला 370। ए गोलू देख ले साड़िया, गोलू देखिए यहाँ पे गोलू आ गए। चाके शॉप से नहीं ला सकती हो तुम लोग? सही और भी मिल जाएंगे बेटा ऑप्शन। पहले वो सब देख लो आप, तो दिखाओ ये देखो कितना का है। 370। क्योंकि मतलब जोड़ा साड़ी तो काली माता के लिए हो गया, एक यहाँ के लिए 3 और एक अपर के लिए 4 साड़ी चाहिए, और अंदर भी है देख लो प्लास्टिक में।
ये तीन इक्वल तीन देखो देखते सड़ी नहीं खुला था अच्छा ना ये कौन वाले जाओ भी दुकान पे हाँ और भी ऑप्शन है बेटा कुछ ला सकती हो देखती हूँ मतलब फाइव तक ठीक है ठीक और इसमें से पसंद कर लेते हैं बंद करो मजे अरे वो कुछ जाती कलर दिखा क्यों कलर थोड़े ना रहा सर साड़ी सेलेक्ट हो गया तो यहाँ पे साड़ियाँ सेलेक्ट हो रही हैं अभी भी चढ़ाने के लिए माता रानी को और मतलब ब्लैक अवॉइड करते हैं वैसे ऐसा कुछ नहीं है बाकी सिंगार का सारा सामान भी ले आना है जैसे चूड़ी सिंदूर बिंदी वही वो जो ली हो ग्रीन हाथ में हाँ वही वाला लाइट की हाँ कितने की साड़ी है रम्मे और 334 नहीं कितना कम कर तो जाओ सारा तीन साड़ी सेलेक्ट हो गया ना जाओ ले आओ ले आओ तो वो कर लेना ले आओगी फिर उसके बाद में मैं इस पे चूड़ी बिंदी सब लगवाना है तुमको अभी दुकान बंद वाला दुकान वाला का अब का होई तो जाई वो सब बनी हो घरे सब बोसी ये रख दे कम से कम डिब्बा में तो आई होप कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा पसंद आएगा तो ज़रूर बताइएगा तो अभी बस आज के दिन में यही तैयारी चल रही है क्योंकि कल अष्टमी है और अष्टमी के दिन में पूजा होता है और पूजा में सब सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है तो कल मैं जाऊंगी काली माता मंदिर और या तो आज शाम को भी जा सकती हूँ मतलब देखती हूँ अब मैं जा रही हूँ साड़ी पहनने क्योंकि मैंने चाय वगैरह पी लिया हुआ है पता नहीं क्या मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हुआ है भूख लगी है चाय पीनी है पानी पीना है रे बू ऐसा नु कही संता मोनी का कुछ कर दे तो यहाँ पे देखिए रम्या के पापा घमंड में चूर हैं और चाय पी रहे हैं यहाँ पे मैं भी घमंड में चूर हूँ और रम्या भी घमंड में चूर है यहाँ प्रियंका घमंड में चूर है और गोलू घमंड से चूर हो चुकी है इन्हें मंदिर में दिख रही है तो ये हम मजाक कर रहे हैं देखिए रम्या के पापा मेरे लिए वॉइस ओवर कर रहे हैं वीडियो में बिल्ली आती है और बिल्ली तो इस वीडियो को हम यहाँ पे करते हैं खत्म हमारे यहाँ अष्टमी की तैयारियाँ हो गई हैं पूरी और हम कल आपको दिखाएंगे कि कन्या पूजन के लिए हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं कल के ब्लॉग में मतलब कि इतना अंधेरा हो चुका है कि हम लोग पूरे काले दिख रहे हैं बहुत अजीब दिख रहे हैं हाँ बेटा नहीं मत रगड़ो और इसी के लिए मैंने एज बंद करी यार वीडियो बनाओ तो नहीं समझे करें बंद करें ए बंद करा सुन यार कॉपीराइट आ जाए तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और मैं जा रही हूँ इसका ख्याल रखने जा बेटा दूध गर्म कर लो खुद ही ठीक और खुद पी लो जा बेटा गर्म कर दो पूरा दूध आज ना 2 लीटर दूध फट गया है मेरे घर में क्योंकि लाइट नहीं है थोड़ा भी लेट हो रहा है तो दूध फट जा रहा है और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसलिए छोटा सा ये ब्लॉग मतलब 7-8 मिनट का वीडियो आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ मिलते हैं कल और कल मैं सारी चीज़ें आपको दिखा दूँगी ये गई नहीं है ये मत सोच लीजिएगा गलती से कि चली गई है कहने के बाद ये एकदम यही चिपकी हुई है चली गई फाइनली देखिए हाँ ना तो कल के वीडियो में मैं सारी चीज़ें दिखा दूँगी और 3 मैंने 4 क्या मैंने जो भी साड़ियाँ ली हैं वो सब मैं आपको कल दिखा दूंगी तो मिलते हैं कल तब तक के लिए ख्याल रखिए थैंक यू फॉर वॉचिंग लव यू बाय बाय जय माता दी।